अज बड़ा खुशी का मुकाम है कि एम एल ए साहब सरदार हरमिंदर सिंह गिल इन्हां दे दावत ते मैं अज बड़े लंबे समय बाद पट्टी इलाके च आया और इन्होंने एक बड़ा शानदार पार्क जिहड़ा वो पट्टी शहर च बनाया उहदी इफ्तिताह सी और उसके नाल नाल ही डॉक्टर त्रिहन जिहड़े जिन्हां दे नां ते ये पार्क डेडिकेट किया गया है उन्होंने खानदान नाल मिलन का मौका मिलिया और जो डॉक्टर त्रिहन की जो इस इलाके नूं सेवा सी खिदमात सी वो एक बार फिर अपनी अगली नस्ल जिहड़ी है उन्होंने दसण का मौका मिलिया और एम एल ए साहब ने कुछ अपने इलाके के जिहड़े तरक्याती काम है जिवें कि एक इत्थे पब्लिक लाइब्रेरी बनाउण दा इन्हां दा मनसूबा है उस तो अलावा एक पार्क जिहड़ा है जिस किस्म का पार्क बनया इस तो थोड़ा जिहा छोटा ये पार्क एक होर बनाना चाहते हैं जिहड़ी लॉ यूनिवर्सिटी कैरो पिंड दे विच कायम होण जा रही है वो सारे मनसूबे भी जिहड़े है वो इन्हां दे कहण ते वो सिरे चढ़ावांगे और जो भी होर भी इलाके दे जिहड़े मसले मिसाइल है इन्हां ने उन्हां दी निशानदेही कीती है और साडी हर मुमकिन कोशिश है कि अगले 12 महीनों के विच विच हल्के की डिवेलपमेंट के अतबार पंजाब के नाल ये इलाका जिहड़ा है वह हमाहंग हो सके। सर एक हरीके टूरिज्म विकसित कर ली पंजाब सरकार का उपराला उसके वास्ते कोई योजना बनाई जा रही है वो इस बार बजट का हिस्सा सीगा कि हरीके टूरिज्म जिहड़ी है वो वास्ते कितना 15 करोड़ रखा गया है आने वाले महीनों के जदों बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो उत्थे भी जिहड़ा काम जिहड़ा शुरू हो जाएगा। सर पंजाब च भर्ती बड़ी घट हो रही है ये कारण कि जिस तरह हम हस्पताल डॉक्टर बहुत घट रहे हस्पताल है गए पर डॉक्टर ही नहीं उ सर पिछले महीने जे तुसी अखबारां दीयां सुर्खियां वगैरह पढ़ते हो तो 4200 पोस्टा जिहड़ियां हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच पंजाब सरकार की भर्ती है इस वेले जारी है इस तरह ही कोई 1500 पोस्टा जिहड़ियां जिन्हों मैडिकल एजुकेशन कहिंदे आ और मैडिकल एजुकेशन का मतलब जिथे मैडिकल कॉलेजेस टेस्टिंग लैबोरेटरी वगैरह सो तकरीबन कोई 6000 अमला जिहड़ा है डॉक्टर ते पैरामेडिकल जिन्हों कहिंदे नर्सेस ते वार्ड बॉय ते फार्मासिस्ट वगैरह ये सारे भर्ती इस वेले जारी है और जे होर भी लोड़ पई तो होर भी और सीएम साहब ने अपनी जो अपने आज़ादी वाले दिन जिहड़ी तकरीर की है उहदे विच उन्होंने 50,000 नवीं नौकरियां पंजाब सरकार छोर उहदा भी ऐलान किया सो ये भर्ती का जिहड़ा सिलसिला है इस वेले जारी ते सारी है। थैंक यू वेरी मच मेहरबानी। मेरे लिए अज बड़ा खुशी का मुकाम है कि एम एल ए साहब सरदार हरमिंदर सिंह गिल इन्हां दे दावत से मैं अज बड़े लंबे समय बाद पट्टी इलाके च आया और इन्होंने एक बड़ा शानदार पार्क जिहड़ा है वो पट्टी शहर च बनाया उहदी इफ्तिताह सी और उसके नाल नाल ही डॉक्टर त्रिहन जिहड़े जिन्हां दे नां ते ये पार्क डेडिकेट किया गया है उन्होंने खानदान नाल मिलन का मौका मिलिया और जो डॉक्टर त्रिहन की जो इस इलाके नूं सेवा सी खिदमात सी वो एक बार फिर अपनी अगली नस्ल जिहड़ी है उन्होंने दसण का मौका मिलिया और एम एल ए साहब ने कुछ अपने इलाके के जिहड़े तरक्याती काम है जिवें कि एक इत्थे पब्लिक लाइब्रेरी बनाउण दा इन्हां दा मनसूबा है उस तो अलावा एक पार्क जिहड़ा है जिस किस्म का पार्क बनया इस तो थोड़ा जिहा छोटा ये पार्क एक होर बनाना चाहते हैं जिहड़ी लॉ यूनिवर्सिटी कैरो पिंड दे विच कायम होण जा रही है वो सारे मनसूबे भी जिहड़े है वो इन्हां दे कहण ते वो सिरे चढ़ावांगे और जो भी होर भी इलाके दे जिहड़े मसले मिसाइल है इन्हां ने उन्हां दी निशानदेही कीती है और साडी हर मुमकिन कोशिश है कि अगले 12 महीनों के विच हल्के की डिवेलपमेंट के अतबार ये पंजाब के नाल ये इलाका जिहड़ा है वो हमाहंग हो सके। सर एक हरीके टूरिज्म विकसित कर ली पंजाब सरकार का उपराला उसके वास्ते कोई योजना बनाई जा रही है वो इस बार बजट का हिस्सा सीगा कि हरीके टूरिज्म जिहड़ी है वो वास्ते कितना 15 करोड़ रखा गया है आने वाले महीनों के अज जो बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो उत्थे भी जिहड़ा काम जिहड़ा शुरू हो जाएगा।
सर पंजाब भर्ती बड़ी घट हो रही है ये कारण की जिस तरह हम हस्पताल डॉक्टर बहुत घट ने हस्पताल है गए पर डॉक्टर ही नहीं उसे सर पिछले महीने जो तुम अखबारों दियाँ सुर्खियाँ वगैरह पढ़ते हो तो 4200 पोस्टा जड़िया हेल्थ डिपार्टमेंट के पंजाब सरकार की भर्ती है इस वेले जारी है इस तरह ही कोई 1500 पोस्टा जड़िया जिन्हों मैडिकल एजुकेशन कहते हैं और मैडिकल एजुकेशन का मतलब जिते मैडिकल कॉलेज टैसटिंग लैबोरेटरी वगैरह सो तकरीबन कोई 6000 अमला जड़ा डॉक्टर तो पैरामेडिकल जिन्हों कहते हैं नर्सिस वार्ड बॉय तो फार्मासिस्ट वगैरह ये सारे भर्ती है इस वेले जारी है और जो होर भी लोड़ पई तो होर भी और सीएम साहब ने अपनी जो अपने आज़ादी वाले दिन जी तकरीर की है वो उन्होंने 50,000 नवी नौकरियां पंजाब सरकार होर वह भी ऐलान किया सो ये भर्ती का जोड़ा सिलसिला है ये इस वे जारी तो सारी थैंक यू वेरी मच मेरी स्ट्रीट लाइट जाती थी चार दिन वास्ते लोगों झमके मारे जाते सर कि स्ट्रीट लाइट चल गई नर्क का कुंभी नर्क बन गया जी ये पट्टी शहर बीबी रजनी का शहर जो अमृतसर का भी पुराना शहर है बीबी रजनी अपने पिंगले पति को लैके अमृतसर गई दुख भंजनी बेड़ी वाले थां दुख भंजनी बेड़ी नहीं सी छपड़ी सी अपने पिंगले पति को शरण कराया वो स्वस्थ हो गया ये पट्टी शहर उस तो भी पुराना है लोग दसते सन कि मंत्री साहब सानू को पार्क बना दो साढ़े सैर करने वास्ते जगह कोई नहीं कहते कहते रेलवे वाली जगह से बना देंगे फलाने थान से बना देंगे बड़ी वाली बोर्ड लगे पर आ जगह जो मैं समझता कि पट्टी के नट नालों भैड़ी जगह से बहुत बुरी हालत थी गंदगी ढेर लगे सन गंदगी के छप्पड़ सन लोग जुआ खेलते सन टीके लाते सन नशे वाले अगले पासे माड़ी मोटे झोंपड़ियां पईयां सी पता ही नहीं सी जगह कित्थे आ मैं एक दिन प्रिंसीपल साहब नूं कहा मैं कहा जाके दस्सो किन्नी की जगह होएगी कहिंदे 3 एकड़ जगह होनी है अज परमात्मा ने कृपा की 4 एकड़ जगह 365 फुट मत्था है और उहदे विच मंत्री साहब मैं तुहाडा धन्नवादी हां कि तुसीं 1.25 करोड़ रुपया सानूं दित्ता सी असी इत्थे काम 1.5 करोड़ वाला करके दिखाया तुहाडी एक एक पाई जिहड़ी है उह बोलेगी उहदा फायदा पट्टी वाले नूं होएगा सानूं खुशी है कि साडे PWD दे एक्सीडेंट साडे पट्टी नाल संबंधित सरदार जसमीत सिंह सोढ़ी ने उहनां दी सारी टीम ने दिन को रात लग के इस पाप कार्ज नूं सिरे लाया मैं अज समझदा कि साढ़े को देर तो हो गई है पर डॉक्टर सुदर्शन त्रेन जी जिन्होंने अपनी जिंदगी पट्टी वास्ते ला दी अज उन्हां दी याद दे विच आ सारा पार्क उन्होंने डेडिकेट कर दिता सी उन्हां दा शानदार पुत इस पार्क में लाया है उन्हां दी याद आने वाली पीढ़िया में बरकरार रहेगी लोग पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कौन सन उन्होंने अभी ब्रीफ हिस्टरी उस बुक के थले लेके ला दी है लोग याद करेंगे यार वो कोई यहोजे डॉक्टर भी होंगे सन जे गरीबों वास्ते जिन्हों का दिल धड़कता सी ऐसे लोगों की अभी लोड़ है अज कोविड का जमाना ऐसी लोड़ है और पट्टी शहर के मैं 9.5 करोड़ रुपया सरकार ने दिता कोई काम नहीं छड़ा के मेरी एक बेनती है मंत्री साहब को कि मैं इतों की एजुकेशन को प्रफुल्लित करना चाहूँगा साढ़े बच्चे इतने MBBS में सरकारी स्कूलों में गए हैं बहुत सारिया प्रेस्टीजियस एग्जामीनेशन पास करते हैं पर मैं पता है मैं जो छोटा हूँ प्री मेडिकल करता सी घर पढ़ने का माहौल नहीं सी असी पार्कों में जाके ट्यूबा थले जाके रात में पढ़ लगा मैनू इतों पट्टी के लोगों का पता है गरीब ने एक एक कमरा घर बच्चे पढ़ना चाहते हैं घर लड़ाई है कोई शराब पी के घर का मैंबर आ रहा है बच्चों की कंसेंट्रेशन नहीं बन सकती मैं बेनती करना चाहता मंत्री साहब को कि पट्टी शहर के किसी रीडिंग लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जो जी मेडिकल कॉलेजों में बनी होती है उसे बकायदा AC लगे हो Wi-Fi लगे होर उन्होंने CCTV कैमरे ला के उन्होंने एक्सैस बच्चों के पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि पेरेंट्स देख सकन कि साढ़े बच्चे पढ़न गए कि नहीं पढ़े और बच्चे उसे लड़के और लड़कियां भी होनगिया उन्होंने बकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना चाहते हैं सिक्योरिटी का प्रबंध करना चाहते हैं और एक बहुत बेहतरीन कोई साढ़े प्रोफेसर
उन्होंने जिम्मेवारी देंगे और डिवेलपमेंट वास्ते मैं एस्टीमेट मंत्री साहब बनाया है। ये सारा 30 लाख का बनया जी, बिल्डिंग असी रखी है जी, हूँ डिवेलप करना, कृपा करके सानू कर दे, बेनती है। दूसरी मैं बेनती करना चाहता आ जिहड़ा पार्क बनया इहदा लोग आनंद लैणगे, मैं समझदा ये साडा पार्क नहीं साडी पूजा स्थल है। इतने असी बोर्ड लाया उत्थे कहा भी भाई जे कोई बीमार होकर हस्पताल जाना चाहता है वह परले पासे है, जे कोई नशा करके नशा छुड़ाउन जाना चाहता तो परले पासे नशा छुड़ाउ केंद्र है, पर जे कोई सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहता है, कसरत करना चाहता तो आओ पार्क में एक तुम सैर कर सकते हो। यहो जहा एक पार्क में परले पासे उत्थे साढ़े को 1.5 पौने 2 किले जमीन है, एक पार्क उत्थे भी डिवेलप करना चाहता है। मंत्री साहब वो वास्ते छोटा जिहा एस्टीमेट तुहाडे वास्ते तां कोई गल नहीं, तुहाडे कुजे च फुट फुट कर लैणे आ, वो भी बेनती साडी प्रवान कर लिओ। ये साढ़े पट्टी वास्ते ना जुगां जुगंतरां तक, ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे अर्गे लोग इत्थे रहणगे, ये लोग आउंदे रहिंदे आ जांदे रहिंदे आ, पर ये जिहड़ी जिहड़ी चीज है ये लोगां दी चीज है, अज पट्टी वासियां नूं समर्पित करदा है। और मैं तुहानूं विश्वास दिवांदा है कि बाहरले पासे 365 फुट लंबी पार्किंग का प्रबंध किया है। इतने आम तौर पर लोग कहते कि असी कचहरी में भी मोटरसाइकिल ला के चले जाइए तो चोर चुक के भज जाते हैं, तुहाडे मोटरसाइकलों का तुहाडियां गड्डियां मोटर की सिक्योरिटी का प्रबंध करने वास्ते मैं तुहानूं विश्वास दिवांदा है कि असी प्रबंध किया है कि तुहाडे मोटरसाइकिल स्कूटर साफ भी कराया करांगे तो सिक्योर भी कराया करांगे। और जो तुम सैर करके आया करोगे तोड़िया गड्डिया मोटर धो के घर जा साफ करके जाती करना है कि साढ़े दुकाना च बैठे लोग 8-9 बजे दुकाना तो जाते हैं। और जो दुकाना तो जा ये पार्क जी बनाई है परिवार वास्ते बनाई है, ये दुकान तो आन के पार्क में परिवार के नाल दुख सुख कर गलां बातां कर डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.